सो भाई साहब, क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं आप लोग मजे होंगे, फुल मस्ती मजे कर रहे होंगे। बेसिकली हम आप तो मज़े कर रहे होंगे, लेकिन मैं मज़ा नहीं कर रहा है। बेसिकली अभी रात के 12 बजे जा रहे हैं और तारीख है 12, रात के 12 बजे जा रहे हैं। उसकी अभी तारीख 13 होने वाला है और रात है, पता नहीं मुझे क्या ही सूझा कि मैंने मेन गेट में अंदर से लॉक लगा दिया है। मैं कभी नहीं लगाता अंदर से लॉक, हैंडल लगाया और फिर अंदर से लकड़ी वाला गेट लगा देता था, लेकिन आज पता नहीं मुझे मेरे मन में क्या आया, मैंने लोहा वाले गेट का अंदर से लॉक लगा दिया। भाई ये अंदर से गेट ही नहीं खुल रहा, भाई अंदर से लॉक ही नहीं खुल रहा। देखो आप भी, समझ नहीं आ रहा क्या ही करूँ मैं। और चौथे फ्लोर पे मैं बैठा हूँ भाई, यहाँ से किसी को आवाज़ दूँ तो भाई कोई आके नहीं गेट खोलने वाला, ऐसा सिचुएशन मेरे साथ है। पता नहीं कैसे बाहर निकलूँ, कुछ नहीं पता, मेरे पास किसी का नंबर भी नहीं है, मैं कैसे क्या करता पता नहीं है। सब गजब गजब ज़िंदगी में भाई साहब। इसमें 3 बार लॉक होता है, ये 3 बार लॉक होता है। देखो लॉक लग चुका है 3 बार, इसमें चाबी 3 बार घूमती है और इसके लिए मैं इसको खोल रहा तो ये खोल ही नहीं रहा भाई, क्या करूँ मुझे समझ नहीं आता। कभी मैं इसको लॉक नहीं करता था कभी भी, हैंडल हमेशा लगा के और छोड़ दिया करता था। आज मुझे क्या ही दिमाग में आया, मैंने इसको लॉक कर दिया और ये लॉक खुल नहीं रहा। कुछ हो ही नहीं रहा भाई साहब, समझ नहीं आया कि मैं क्या ही करूं। चौथे फ्लोर पे मैं बैठा हूं भाई साहब, दिमाग ख़राब हुआ पड़ा है। कहीं भी इसके लिए मैंने इसको लॉक नहीं करा और आज पहली बार लॉक करा इसको। हमेशा इसको यहाँ से लगा के और गेट को बंद कर दिया करता था मैं, हमेशा यहाँ से इसको बंद करता था, लेकिन आज क्या ही मेरे मन में आया, मैंने इसको लॉक कर दिया। समझ नहीं आ रहा कि भाई क्या ही करूँ। जा रहा है भाई इसको खोलने, इसको खोल, एक को तो मैंने खोला है और अगर ये बाहर निकल जाए तो भाई साहब कहीं मेरी काम बन जाए भाई, बहुत ज़बरदस्त फंसा हूँ मैं आज। आ रहा है भाई साहब, कल बैंक मेरी खुली है, मुझे जाना ऐसा नहीं आ रहा है, लेकिन बैंक ब्रांच में कुछ काम होने हैं तो मुझे जाना है 10 बजे ब्रांच भी। भाई साहब अल्लाह की पंगा फंसा है यहाँ पर, मैं क्या ही करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं यहाँ से निकलूँ कैसे। रात के 12 बज रहे हैं और मेरे पास किसी का नंबर भी नहीं कि मैं किसी को कॉल करके बुलाऊँ। इसके लिए मैं यहाँ पर नया हूँ तो किसको ही बुलाऊँ पता नहीं भाई साहब, कैसे बाहर निकलूँ कुछ पता नहीं। इसलिए कल शनिवार है लेकिन मुझे ब्रांच भी जाने हैं 10 बजे के अप्रॉक्स, भाई कैसे क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, बहुत बुरा फंसा भाई, पता नहीं ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है। इसको खोलता हूँ भाई, देखते हैं क्या हो पाता है। यहाँ पे जो था ऐसा वाला लगा हुआ जाली, मैंने इसको खोल दिया है तो भागो भाई। मेरे पास ये पिलास था, मैंने पिलास लिया था, कुछ काम था मुझे नोएडा में तो मैंने इस पिलास को ख़रीदा था। अब देखो भाई हाथ घुस आके मैं इसको बाहर से खोलने की कोशिश करता हूँ, भाई खुल जाए तो भाई बहुत बहुत मेहरबानी। भाई साहब मेरी हाथ नहीं घुस रही इसमें, मेरी हाथ नहीं घुस रही। हाँ भाई हाथ तो घुस गई साहब, अलग लेवल का बकचोदी मेरे साथ आज हुआ है। भाई साहब मेरा हाथ वहां तक नहीं पहुंच रहा, भाई साहब मेरा हाथ वहाँ तक नहीं पहुंच रहा भाई, कैसे ही खोलूँ समझ नहीं आ रहा।
बहुत ज़बरदस्त फंसा मैं भाई। कल ब्रांच में जाना है, किसी के पास किसी का नंबर ही मेरे पास नहीं है। कैसे ही खोलूँ आई डोंट अंडरस्टैंड। लगता है मुझे नीचे वाला खोलना पड़ेगा। नीचे वाला खोलूँ तो मेरा हाथ पहुँच सकता है। ये वाला ज़्यादा, इससे ज़्यादा डिस्टेंस है ये वाला, और नीचे वाले का डिस्टेंस कम है। नीचे वाला जस्ट यहीं पे है, नीचे वाला का डिस्टेंस कम है तो हाथ कहीं पहुंच जाए। भाई साहब बहुत बुरा फंसा आज मैं। यहाँ से डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ से डिस्टेंस ज़्यादा है तो हाथ नहीं पहुंच पा रहा। यहाँ से डिस्टेंस कम है, कहीं हाथ पहुंच जाए, इसको खोलना पड़ेगा। भाई बहुत तगड़ा फंसा मैं आज, बहुत तगड़ा फंसा। तो मैंने इस दोनों नट को खोल लिया है, अब इसको बाहर की तरफ खींचते हैं। भाई साहब आज तो मैं बुरा, बहुत बुरा फंसा था। अब देखा कि भाई साहब ये खुलता है कि ना खुलता है। माय गॉड गणेशा, माय गॉड खुल जा, सिम सिम खुल। अरे भाई साहब हाथ, ये क्या होता रहता है मेरे साथ, आई डोंट अंडरस्टैंड। रात के 12 बजे लोग सोते हैं, मैं क्या ही कलाकारी कर रहा, आई डोंट अंडरस्टैंड। खुल नहीं रहा भाई साहब। तो लास्टली मैं चाबी लगा लिया बाहर से, चाबी तो लग गई मेरी। घूम जाए तो भाई साहब जिंदगी में इतना कष्ट क्यों है। भाई साहब इतनी जिंदगी में मेरे कष्ट क्यों। God. Oof. Oof. भाई साहब पूरा हाथ अजीब हो गया। मेरे हाथ में दाग हो गया। एक लॉक और खोलना है। अरे बाप रे बाप, एक बार एक लॉक और भी खोल लें। भाई साहब पूरे हाथ में आ चुके हैं। Yes,
बाबा आज तो बहुत बुरे फंसे थे, बहुत ज़्यादा बुरा फंसे थे भाई। लास्टली हम बाहर आ गए भाई, जेल में बंद हो गए थे। बहुत ज़्यादा बुरे फंसे थे आज मैं, बहुत बुरा फंसा था भाई। भाई मेरा हाथ का स्थिति देखो भाई, क्या हाल हो गया मेरे हाथ का, पूरा हाथ मेरा दब गया हुआ है। पूरा दब गया है मेरे हाथ। तो बस मेरे फाइनली गेट खुल चुका है भाई। मैं तो सोचा था कि आज मैं यहीं इसी में रहूँगा आज, आज क्या हमेशा, क्योंकि भाई फोर्थ फ्लोर पे घर है मेरा, रूम फोर्थ फ्लोर पे, कौन ही आके भाई गेट खोलेगा, और मेरे पास किसी का नंबर भी नहीं है भाई। यहाँ पे मैं प्रॉपर अकेला हूँ। अब कैसे ही गेट खुला भाई। लास्टली भगवान का शुक्रिया कहना चाहूँगा कि भाई साहब एक मेरे पास पिलास था, ये पिलास था, और बेसिकली इसमें नट बोल्ट का था सिस्टम और पिलास था, कि मैंने इस गेट को खोल दिया। इस गेट पे जो ये था, क्या बोलते हैं उसको, जाली था, उसको मैंने हटा के, और मेरा हाथ पतला था, हाथ पतला था कि भाई मैंने अपने हाथ को घुसा के गेट खोला भाई, नहीं तो अदरवाइज मैं तो बुरा, बहुत बुरा फंसा था भाई, बहुत बुरा फंसा था। भाई साहब दिमाग उड़ गया, मैं रात के 12 बजे सोने जा रहा था और ये क्या ही नाटक मेरे साथ हो गया। तो भाई साहब इसमें ये सिस्टम है ना कि दो लॉक अंदर से खुल जाता है, तीसरा लॉक होने के बाद नहीं खुलता है, दो लॉक खुल जाता है, दो लॉक अंदर से खुलता है और तीसरा लॉक बाहर से ही खुलता है। तीसरा लॉक बाहर से ही खुलता है, एक लॉक, तीसरा लॉक खुल गया, अब दो लॉक अंदर से खुल जाएगा। क्या नियम कानून है सब मेरे समझ की बाहर की बात है। सारे लॉक खुल गए, एक लॉक मारा, दो लॉक मारा, दूसरा लॉक, पहला लॉक, पहला, दूसरा, तीसरा, अब ये नहीं खुल रहा। तीसरा लॉक अगर फर्स्ट लॉक मारते हैं तो अंदर से खुल जाएगा, सेकंड लॉक मारते हैं अंदर से खुल जाएगा, थर्ड लॉक मारेंगे तो अंदर से नहीं खुलेगा, क्योंकि थर्ड लॉक को बाहर से ही खोलना पड़ता है, और बाहर से तीनों लॉक, फर्स्ट लॉक, सेकेंड लॉक, थर्ड लॉक, तीनों बाहर से खुल सकता है। अंदर से दो ही लॉक खुल सकता है, थर्ड लॉक बाहर से ही खुलेगा। तो भाई साहब ध्यान रखना अगर आपके पास ऐसा कुछ सिस्टम है तो। दोनों को मैंने फिट कर दिया है, दोनों फिट हो चुका है। तो भाई साहब ध्यान रखना जो मेरे साथ हुआ आपके साथ ना हो, भाई साहब ध्यान रखना इस चीज़ को। अंदर से तीसरा लॉक लगेगा तो नहीं खुलेगा, दो लॉक खुलेगा, फर्स्ट लॉक खुल जाएगा, सेकेंड लॉक अंदर से खुलेगा, अगर थर्ड लॉक लग गया तो अंदर से ना खुलेगा, ये बाहर से खुलेगा, और बाहर से फर्स्ट सेकेंड थर्ड
तीनों लॉक बाहर से खुल जाएगा, अंदर से थर्ड लॉक नहीं खुलेगा, फर्स्ट सेकेंड ही खुलेगा। ध्यान रखना इस चीज़ को और सावधान रहना इससे। भाई साहब मेरे साथ बहुत ज़बरदस्त होता, मुझे कल ब्रांच भी जाने थे, तो ध्यान रखना, और ध्यान रखना बस।